नया गांव थाना अंतर्गत गुप्त गोदावरी मार्ग पर तीर्थ यात्रियों की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से लगभग 40 लोग निजी वाहनों से चित्रकूट आए थे, मगर एमपी के लिए परमिट नहीं होने के कारण गांव सीतापुर के रैन बसेरा में छोड़कर एमबीबीएस ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP19P1786 से रविवार सुबह देवी दर्शन के लिए मैहर चले गए। वहां से लौटकर यात्रियों ने गुप्त गोदावरी में पूजा अर्चना की और फिर शाम लगभग 4 बजे चित्रकूट बस स्टैंड की तरफ बस रवाना हो गई, मगर पुलिया के पास पहुंचते ही किसी वाहन को बचाने की कोशिश में चालक हड़बड़ा गया और बस बेकाबू होकर खाई में पलट गई। हादसे में सिसुआ अंबेडकर निवासी मनाऊ चौधरी को मृत घोषित कर दिया गया, तो वहीं गंभीर रूप से घायल रेशमी देवी 23 वर्ष, सीताराम सिंह 42 वर्ष, हरि प्रकाश और कुसुमा को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। चित्रकूट बस हादसे में मृत महिला के प्रति शोक संवेदना जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घायल यात्रियों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करने के साथ ही जिला प्रशासन को तेजी से बचाव एवं राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए। सीएम के साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह ने भी संवेदना जताई है।